कि सियासी विसाद भले ही असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माधवी लता के रूप में मैदान में उतारा है। भरतनाट्यम डांसर, सोशल एक्टिविस्ट, या ये कहे डॉक्टर, या फिर बीजेपी की स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, यहाँ पे तो MIM का ही चलता है मैडम, असद साहब का ही चलता है यहाँ पर। लेकिन इस पर माधवी लता भी कड़ी टक्कर दे रही है। हाँ, वो हो सकता है, मगर हमको जहाँ तक पता है, हम जब से वोट डालना शुरू करे जब से तो असद साहब को ही देखते हैं MP के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सईद खान है। आप क्या देख रहे हैं, किस ओर हवा बह रही है? मैडम अभी तो फिलहाल देखिए आप, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बनेंगे। पिछले 20 साल से तकरीबन असद साहब को ही हमारा वोट जाता है, क्योंकि मैं ओल्ड सिटी से मेरा ताल्लुक है, मैं याकूतपुर का रहने वाला हूँ, और हम यहाँ तक देखते हैं मजलिस के सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता है यहाँ पे, चाहे वो कितना भी बड़ा BJP का लीडर हो। यहाँ पे अगर BJP के बड़े अगर पॉलिटिकल लीडर्स भी आके अगर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से मुकाबला करें तो नहीं जीत सकते, क्योंकि MIM एक ऐसी जमात है मैडम कि हर तबके को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रहने दो, सबको साथ लेके चलने वाली जमात है यहाँ पे, इसलिए हमारा वोट असद साहब को ही जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास नवाब है, मैं SIT कॉलोनी याकूतपुर से हूँ, क्योंकि इस बार भी मेरा वोट मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाए। माधवी लता क्यों? चेंज चाहिए, कुछ चेंज चाहिए इसके लिए। माधवी लता को पसंद करते हैं? बिल्कुल। क्या कारण? कारण नहीं है, कुछ नया फेस है, और जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं तो लग रहा है हमको कि थोड़ा अच्छा रहेगा, कोऑपरेटिव रहेंगे हमसे। इतने साल में अगर बात करें, हैदराबाद में डेवलपमेंट नहीं हुआ करके लगातार माधवी लता कह रही है, आपको क्या लगता है? डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ बोल के नहीं, हुआ है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। अच्छा। तो प्रॉपर वे में होना चाहिए, तो इस बार नया चेहरा देखना चाहते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मतलब लोगों ने मन बना लिया कि इस बार बदलाव चाहिए? चाहिए, 100% चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ काम हो रहे हैं, BJP थोड़ा बहुत काम तो कर रही है ना। अच्छा, क्या कारण है कि लोग माधवी लता को इतना पसंद कर रहे हैं? काम करेगी, आएगी तो नहीं है, नया चेहरा है, वो इसी खाली बकवास करके छोड़ देता है सबके साथ बस। मतलब ओवैसी साहब ने कोई काम नहीं किया है? हाँ, किया, कुछ क्या किया है, यहाँ पे रोड बना के 3 महीने यहाँ लटका दिया लोगों को, पूरा रोड खराब करके 3-3 महीने पड़े रखा। तो मतलब ओल्ड हैदराबाद के लोगों को यहाँ पर विकास बड़ा मुद्दा है और इस बार नया चेहरा देखना चाह रहे हैं। भैया, इस बार हैदराबाद की जो चुनौती है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि BJP ने बहुत ही स्ट्रांग उम्मीदवार उतारा है। हैदराबाद की हवा इस बार किस ओर बह रही है? BJP तरफ है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों? BJP की बहुत काम किया हुआ है, BJP ने जगह पे काम करवाया हुआ है, जैसे कि राजस्थान में हो, चाहे कोई भी प्रदेश में हो, जहाँ भी वहाँ भी पूरे BJP ने काम बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप राजस्थानी प्रवासी है यहाँ पे? बिल्कुल, 2 वोट दे गए अभी। तो आपका तो वोट वहाँ पे, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर भी BJP आएगी? यहाँ भी है, माहौल है, हवा है, अच्छी हवा, बोले तो काम के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है, काम के हिसाब से हवा है। अच्छा जी, माधवी लता को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट, बहुत कैंडिडेट अच्छे है। आप क्या कहेंगे, इस बार हैदराबाद की हवा किस ओर बह रही है? BJP की तरफ, और देश का विश्व गुरु बनने का पहला अवसर है, अगर BJP आ गई तो हिंदुस्तान कहीं और पहुँच जाएगा, दूसरे देश के इंडिया के नीचे झुकेंगे, लेकिन इंडिया विश्व गुरु बनेगा। तो इस बार क्या माधवी लता जो है वो ओवैसी को टक्कर दे रही है? 100% जीतेगी, 100% BJP आएगी। ऐसा क्या कारण है कि लोग माधवी लता को इतना पसंद कर रहे हैं? देश अच्छा बढ़ाई की ओर बढ़ना है, नीचे की तरफ नहीं जाना है, हर पर्सनैलिटी होना चाहिए किसी को भी, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है BJP और अच्छा ही होगा। हवा तो मैडम कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन लग रहा है कि BJP आनी चाहिए। माधवी लता को पसंद करते हैं? बात पसंद की नहीं है, सेंट्रल में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा हैदराबाद से भी सपोर्ट लगना चाहिए, बस बात वही है। तो काम क्या तो ये कह सकते हैं कि इस बार जो उत्तर भारतीय प्रवासी जो हैदराबाद में रह रहे हैं वो पूरी तरह से BJP के साथ हैं? बात प्रवासी की देखो, किसी का नहीं बोल सकते, अपना बोल सकते हैं। देश अगर आगे बढ़ रहा है, मोदी जी आगे बढ़ा रहे, तो थोड़ा सपोर्ट भी हमें भी करना चाहिए, बस बात वो है। बाकी उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या है, किसी का कुछ भी नहीं बोलता। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है हैदराबाद? उम्मीद तो पूरी है कि अब के बार आएगा, इनका जो MIM का जो पिछले 30 साल से जो राज चल रहा है, जहाँ से इस बार कड़ी टक्कर है, फिर भी नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इस बार जो हमेशा जो वोटा मार्जिन जो डिफरेंस रहता था जो डिफीट का, वो इस बार बहुत मतलब बहुत कम हो जाएगा, जैसा 1-1.5 लाख वोट से हारते थे, इस बार 30-40-50,000 वोट से ही हारेगा, हारे भी तो। अच्छा,
कोशिश तो पूरी है कि जीतेगी और हिंदू वर्ग एक ही तरह से माधवी लता के साथ है। मैं दूसरे हिंदू लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ, जो TRS में है, जो कांग्रेस में, जो अदर पार्टीज में है, वो लोग को इतना तो समझना चाहिए सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर रही है, तो उस बेसिस पे वो लोग भी ठीक है उनके वर्क में काम करें, लेकिन इस देश के हित में आप मोदी जी को वोट दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस बार पूरा बदलाव देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं कि MIM का भी बदलाव होना चाहिए। MIM के राज में पिछले मेरी पैदाइशी यहीं से हैदराबाद के चार मीनार से ही हुए हैं, 53 साल मेरी एज है, मैं वहीं से हूँ, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो मैं पैदा देखा हूँ वही डेवलप वैसी का वैसी है आज भी, और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट चाहिए तो बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश बजाज। देखिए तो यहाँ पर सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि बदलाव जो है वो कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो सीट है ये लोकसभा हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के 7 सीटों में से एक है, गोशा महल। ये गोशा महल अंतर्गत आती है जो कि जहाँ पर बीजेपी का दबदबा है, या ये कह सकते हैं कि ओवैसी का जो गढ़ है हैदराबाद का, वहाँ पर एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ पर बीजेपी का दबदबा है, तो वो इसी सीट पर है। और यही कारण है कि यहाँ पर बीजेपी की पैठ बहुत ज्यादा मजबूत है। और यहाँ पर कुछ और वोटर से हम जानेंगे कि आखिर वो इस कंटेस्ट को किस तरह से देखते हैं। आप इस बार हैदराबाद की सियासी हवा किस ओर बहती दिख रहे हैं? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी 100%। क्या कारण है कि आपको लगता है कि इस बार बीजेपी जो है ओवैसी को मात दे पाएगी? ये बार हमेशा ही दे सकती है, लेकिन ये बार ऐसे लग रहा है कि ये बोगस वोटों को कंट्रोल कर पाएंगे, इसीलिए। तो क्या आपका ये कहना है कि इतने दिन जो है ओवैसी बोगस वोट्स के कारण जीत रहे थे? 100% बोगस वोट। लता को कैसे देखते हैं? जैसे सुपर, ये मोदी योगी के ट्रेंड में है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दामोदर। इस बार हैदराबाद का जो लड़ाई है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया माधवी लता के एंट्री से, कैसे देखते हैं आप? बहुत सही है उनका तो, उनके हिसाब से सही है, बाकी जो भी कुछ है मोदी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इस बार ओबीसी को हराए बीजेपी? ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी हम जो भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? तिवारी। इस बार जो हैदराबाद की लड़ाई है बहुत दिलचस्प है, जहां पर एक और ओबीसी दूसरी ओर माधवी लता, आप कैसे देखते हैं कौन जीत रहा है? माधवी लता। अच्छा, क्या कारण है? बोलो जी। आपको पसंद है माधवी लता? अच्छे, उसके बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी है, भाषण वगैरह बहुत अच्छा देती है, हैदराबाद की शेरनी है वो। हाँ। अच्छा, आपको लगता है इस बार ओबीसी आपको हरा पाएगी? जरूर। क्या नाम है आपका? ललिता। आप क्या कहती है? जी हाँ, माधवी लता जी जीतेगी, वो काफी इंस्पायरिंग है, काफी उनके स्पीच में लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को जमा करेंगी वोट के लिए। क्या एक कारण ये भी है कि महिला है इसलिए आप ज्यादा इंस्पायर्ड है? ऐसा कुछ नहीं है, बस थैंक यू। अच्छा, क्या नाम है आपका? आरती। आप कुछ कहेंगी? आप क्या कहेगी इस बार? क्या वाकई में असद साहब को जो इतने सालों से यहाँ पे जीतते आए, इस बार माधवी लता टक्कर दे रही है? हाँ, माधवी लता। अच्छा, सब आपको भी पसंद है माधवी लता? हाँ। क्या कारण है कि लोग जो है माधवी लता के बारे में इतना जिक्र कर रहे हैं? कारण कुछ नहीं, ऐसे पसंद है, बातचीत से उनका व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, तो इस बार माधवी लता को जिता रहे हो? हाँ, जरूर जिताएंगे, जरूर जिताएंगे, कमल का फूल आएगा। हम किसके तरफ आमदनी उधर ही देखते हैं, हमारे को कुछ हेल्प नहीं है। मैं 50 साल हो गए हैदराबाद में के, अभी तक ना घर नहीं मिला ना कुछ नहीं मिला, अब क्या हेल्प करना बोलो अब। नहीं, बट इस बार वोट किसको दे रहे हैं? इस बार मैं हर बार मोदी को देती हूँ। अच्छा, तो माधवी लता से इंस्पायर्ड है आप? वो तो आप अभी अभी मैं बात तो कभी करी नहीं, फोन पे उनको देखे बस। अच्छा, तो पसंद आ रही है आपको? पसंद आ रही है आपको? अब क्या है कि अब जीते बाद ही पसंद आएगी है नहीं? तो इस बार असद साहब को नहीं बल्कि बीजेपी को आप मौका दे रहे हैं? मौका नहीं दे रहे हम, हमारे कोई भी आन दो, हमारे को खुश है, जाए वो सिद्धि आन दो, इन्हें आन दो, कोई भी आन दो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीदेवी है। एक तरफ माधवी लता, एक तरफ असद साहब, आप इस बार कैसे देख रहे हैं? मोदी साहब माधवी होनी चाहेंगे, वैसे तो डालते भी नहीं हम लोग कभी भी। माधवी लता पसंद है आपको? क्या कारण है? अपने को तो आइडिया नहीं है मैडम, अपन तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशोक। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी हैदराबाद की वोटर्स ही लग रही हैं, ये बताइए कि माधवी लता इस बार असद साहब को कड़ी टक्कर दे रही है, तो क्या लगता है आपको? अच्छा है और क्या है, अच्छा ही है। कौन किसको जिता रहे इस बार? जीत जाएंगे मैडम।
कौन किसको? मैडम जीतेंगे ना, बोले ना। अच्छा, मैडम ही जीतेंगे। मैडम पसंद है आपको? देखो ऐसा तो अब मेरे को सब पसंद ही है, जो आपको क्या करना, आपको सब सब अच्छा ही लग रहा है। तो डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। वोट लेने के बाद सब भूल जाते ऐसा, वोट आएंगे जब तक याद रखेंगे, वोट हो गए भूल जाएंगे। लेकिन मौका मैडम को दे रहे हैं। हाँ दे रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या है। अच्छा मैडम, आप क्या कहेंगे इस बार, क्या आप भी माधवी लता को मौका दे रही है या असद साहब को वापस ला रही है? मैडम को ही। अच्छा मैडम को ही। क्या कारण है कि मैडम को इतना पसंद किया जा रहा है? मैडम अच्छा कर रहे हैं ना इसलिए। अच्छा आपको उनके भाषण वगैरह पसंद आ रहे हैं? आके गए ना इधर से। अच्छा इसलिए। ओके तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप लोग हैदराबाद में? हाँ। मैं आप किसको जिता रही? बीजेपी। क्या कारण है ऐसा? क्या कारण क्या है? काम किए? बहुत कुछ किया। असद साहब ने काम किया है? नहीं नहीं किया काम। अच्छा तो इस बार मौका किसको दे रही फिर? बीजेपी को ही देंगे। अच्छा क्या नाम है आपका? महेश्वरी। आप इस बार किसको मौका दे रहे हैं? बीजेपी। अच्छा एक ही है हमारा, माधवी लता को पसंद कर रहे हैं? लता बस, और कोई नहीं। क्यों ऐसा है कि माधवी लता को इतना पसंद किया जा रहा है? बस कुछ नहीं, 30 साल बाद ओबीसी जी राज करे हैं, कुछ एक बार उनको मौका देंगे, क्या करेंगे पता चल जाएगा। अच्छा। आपसे जाना चाहेंगे इस बार आप किसे मौका दे रहे हैं? मौका तो हमने पहले ही बीजेपी को दिया था और अब भी बीजेपी को देंगे। और माधवी लता को इतना पसंद किया जा रहा है हैदराबाद की सीट पर, ऐसा लग रहा है कि ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है, आपको क्या लगता है? कड़ी टक्कर क्या दे रही है, ओवैसी को पसीने आ रहे हैं समझ गए, क्योंकि आज तक उसने फील्ड वर्क कभी किया नहीं है। उसने माधवी लता ने उसको फील्ड पे ला चुकी है, अब पता चलेगा कि ओरिजिनल वोट क्या होता है।